क्या कभी सोचा है जो टीवी आप लोग देखते हो या सोफा जिस पर आप लोग बैठते हो या मार्बल और टाइल्स जो आपके घर के फर्श पे लगा है और कई तरह का खाना जो आप लोग खाते हो इवन मोबाइल फोन जिस पर आप ये अभी वीडियो देख रहे हो ये कहां से आता है? क्या चाइना से? नहीं, हर चीज चाइना से नहीं आती, बट डेफिनेटली जिन चीजों का मैंने नाम लिया है वो एक जगह से जरूर होकर आते हैं। आपने कभी सोचा है जब इतने दिनों से लॉकडाउन था और कई जगह अभी भी है तो ये लूटपाट चोरी चकारी ये सब बढ़ने की जगह कम क्यों हो गई? क्योंकि हमारे खाने पीने और जरूरतों के सामान की सप्लाईज में कोई कमी नहीं हुई। अगर शायद ऐसा होता क्योंकि हर तरफ सब कुछ बंद था, अगर ये सप्लाईज हमें नहीं मिल रही होती तो शायद ये लूटपाट चोरी चकारी ये सब बढ़ते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब सब बंद था या कई जगह बंद है तो ये जरूरत के सामान की सप्लाईज आ कहां से रही है? क्या हमारी गवर्नमेंट ने ये सब स्टोर करके रखा था? जी नहीं, हमने इस कोविड की घड़ी में अपने सारे फ्रंटलाइनर्स को सराहा है, उन्हें पूजा है, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि दे कैप द थिंग्स रनिंग, लाइक डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचा रहे हैं। हमारी पुलिस जिसने सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट बरकरार रखा हुआ है, और इवन डिलीवरी गाइज। बट एक और ग्रुप है फ्रंटलाइनर्स का, आउट एट द सी ऑन द शिप्स, हु कैप्ट अवर इकोनॉमी रनिंग, एंड दे आर सी फेयरर्स। इस पेंडेमिक में गवर्नमेंट्स के पास दो बड़े इश्यूज हैं, टू मेंटेन द हेल्थ एंड टू मेंटेन द इकोनॉमी। और इकोनॉमी पार्ट के लिए मेजरली क्रेडिट जाता है सी फेयरर्स को, जो एक डिफरेंट बैटल लड़ रहे हैं आउट एट द सी अमिड दिस पेंडेमिक टू सस्टेन द इकोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई सी फेयरर मैटर्स। अराउंड 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शिप्स के थ्रू ही होता है। रॉ मटेरियल्स जैसे ग्रेन, कोल, ऑयल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ अफोर्डेबल फूड्स और दूसरे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो शिप्स के थ्रू ही आता है। लगभग 50,000 मर्चेंट शिप्स 10,00,000 से ऊपर सी फेयरर्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, हर तरह का कार्गो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर, और हमारी सप्लाईज के फ्लो को चालू रख रहे हैं। नॉर्मली एक सी फेयरर की लाइफ टफ होती है। अगर वो शिप में है तो कोई ब्रेक नहीं, कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। आप भले ही पूरे दिन में 10 से 12 घंटे काम करके जस्ट ऑफ करने गए हो, पर अगर इमरजेंसी आ जाए या कोई मशीनरी खराब हो जाए या शिप अगर पोर्ट पे आ जाए या और भी कई रीजंस हैं, तो आप वापस आ जाते हो काम पर। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस पर जाते हैं थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट और रिस्की और डेंजरस काम करते हैं, और ये सब काफी नॉर्मल है। बट विद COVID-19 डेंजर और रिस्क दोनों बढ़ गए हैं आउट एट द सी। एक शिप कई सारी कंट्रीज जाता है और उसके साथ जाते हैं सी फेयरर्स। वो वहां की नेशनलिटीज के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं क्योंकि उन्हें उनके साथ काम करना होता है ड्यूरिंग कार्गो ऑपरेशन, ड्राई डॉक्स, तो इससे उन्हें भी संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिप के अपने एक्सटेंसिव वर्कलोड के साथ साथ एक ऐसी डिजीज का फैलना जो कि दिख नहीं सकती, जो कि कंटेजियस है और जिसका कोई क्योर नहीं है, ये आउट एट द सी मेंटल प्रेशर और टेंशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में एक सीफेयरर बस यही चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके घर जा सके अपनों के पास। अगर आप शिपिंग फील्ड से हैं तो आपको पता होगा कि साइन ऑफ में डिले होना एक नॉर्मल सी चीज है सीफेयरर के लिए। कभी इनकन्वीनियंट पोर्ट के चलते, कभी सूटेबल रिलीवर के ना मिलने की वजह से साइन ऑफ में डिले हो जाता है। बट एमिड दिस पेंडेमिक जब कई सारे देशों ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, साइन ऑन साइन ऑफ कैंसिल कर दिए हैं, तो कई सारे ऐसे सीफेयरर हैं जो कि 12 महीनों से ऊपर जिन्हें हो चुका है शिप्स पर। मेरे एक पुराने शिप कैप्टन से बात हुई जिन्होंने मुझे बताया कि उनके शिप का क्रू उन्हें 13 महीने हो चुके हैं शिप पर। कई और कलीग से मेरे बात हुई जिन्होंने ये भी बताया कि इवन टॉप रैंक्स लाइक चीफ इंजीनियर, कैप्टन, उन्हें भी 8-9 महीने से ऊपर हो चुका है, और कई जगह तो और ज्यादा। एक कैप्टन या चीफ इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट जनरली 3-4 महीने का होता है, क्योंकि जो काम वो लोग कर रहे हैं और जैसा मेंटल प्रेशर वो लोग झेलते हैं, दे नीड ए ब्रेक आफ्टर 3-4 मंथ्स, एंड दैट्स व्हाई देयर कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर दैट मच ऑफ टाइम। वैसे ही दूसरे ऑफिसर्स के लिए लगभग 6 महीना और क्रू के लिए लगभग 9 महीने, बिकॉज देखा गया है कि रैंक के हिसाब से इतने इतने टाइम के बाद उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी और सेफ्टी कॉन्शियसनेस ये धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और ऐसे में अगर आपको पता ही ना हो कि आप शिप से निकल कर कब घरों में जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे, सो व्हाट, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग पेड फॉर इट। पर आपके ओपिनियन में ये रियली जस्टिफाई करता है उनका एक एब्यूसिव एनवायरमेंट में होना, जहां पे कई बार उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से, और कई बार उन्हें डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता है।
एक सीफेयर से जर्नली ये उम्मीद रखी जाती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर का होगा, फिजिकली भी और मेंटली भी, और वो लोग होते भी हैं। बींग आउट एट सी फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ 6 months एंड 9 months और मे बी मोर टेक्स लॉट ऑफ गट्स। रफ वेदर, इंजरीज, रिसोर्सेज और एंटरटेनमेंट की कमी और कंटिन्यूस वर्क विदाउट ब्रेक, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वो लोग अवॉइड नहीं कर सकते और वो हैबिचुअल भी हैं इसके लिए। पर अगर इस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में कोई बीमार हो गया या सीरियस इंजरी या कोई और मेडिकल कंडीशन, तो व्हाट ही सपोज टू डू? कार्गो शिप्स में डॉक्टर्स नहीं होते, सबने मेडिकल फर्स्ट एड तो किया होता है बट दे आर नॉट प्रोफेशनल डॉक्टर्स, सो उस वक्त क्या? एक शिपिंग कंपनी में कुछ ऐसा ही हुआ। एक क्रू मेंबर को एब्डोमिनल पेन चालू हुआ ड्यू टू हर्निया। शिप चाइना से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। जब शिप ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो कई सारी कड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद उसे डॉक्टर के पास भेजा गया ऑस्ट्रेलियन पोर्ट में, पर पेंडेमिक क्राइसिस के चलते उसकी लैब रिपोर्ट्स आने में डिले हो गया और रिजल्ट्स तब आए जब शिप ऑलरेडी चाइना के लिए निकल चुका था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया से चाइना एटलीस्ट 12 से 15 दिन लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस पोर्ट से किस पोर्ट पर जा रहे हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से डॉक्टर्स ने उस क्रू मेंबर को सर्जरी प्रिस्क्राइब करी, बट अपॉन रीचिंग चाइना उसे परमिशन नहीं दी गई डॉक्टर्स के पास जाने की। चाइनीज अथॉरिटीज मेड इट वेरी क्लियर दैट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ही इजंट अलाउड टू डिसएम्बार्क फ्रॉम द शिप। हम में से कई लोग अपने घरों पर हैं, अपने नॉर्मल रूटीन्स पर नहीं जा पा रहे हैं। कई लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, कई लोग टीवी शोज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, बट ऑलरेडी काफ़ी लोग इससे बोर हो चुके हैं। इवन कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अब तो कुछ नए टीवी शोज बचे नहीं है, यूट्यूब बोरिंग हो गया, सोशल मीडिया अब इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड इवन दे मिस आउट गोइंग विद फ्रेंड्स। बट फॉर सी फेयरर्स दिस इज देयर नॉर्मल लाइफ। ये सब चीज़ें जो हम कुछ समय से कर रहे हैं, बेसिकली यही सी फेयरर्स करते हैं महीनों महीनों, और उनके लिए वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ नहीं है। अब कई शिप्स में इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, और जिन शिप्स में ये फैसिलिटी हैं मैं कहूँगा वो लोग काफ़ी लकी हैं, क्योंकि वो अपने घरों पर बात कर सकते हैं, घरों से कनेक्ट हो सकते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ शिप्स और मेजोरिटी ऑफ सी फेयरर्स के पास ये फैसिलिटी नहीं है। वो वेट करते हैं कि कब पोर्ट आए और शोर से कोई आदमी आए जो कि लोकल सिम कार्ड लेके आएगा उनके लिए, ताकि वो बाकी दुनिया से कनेक्ट हो सके। पर ये सब फैसिलिटीज भी अफेक्ट करी हैं कोरोना के चलते। सो इमेजिन बींग अवे फ्रॉम फैमिली एंड बींग आइसोलेटेड फॉर मंथ्स विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, और वो भी पता नहीं कितने समय के लिए। हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी सस्टेन करना भी बेहद जरूरी है, और इसमें सी फेयरर्स ने अहम भूमिका निभाई है सप्लाईज का फ्लो चालू रख के। पर इस सब के बावजूद दे नेवर गेट प्रेज्ड, इवन समटाइम्स दे फेस अटर डिसरिगार्ड एंड लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सम शिप ओनर्स एंड इवन फ्रॉम गवर्नमेंट्स। कई केसेस में पाया गया कि शिप ओनर्स प्रॉपर पीपीई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं शिप्स में, पर फिर भी फोर्स कर रहे हैं शिप क्रू को टू कैरी आउट कार्गो ऑपरेशंस इन पोर्ट। कई केसेस में पोर्ट अपने वर्कर्स को पीपीई प्रोवाइड नहीं कर रहा है और उन्हें शिप पर भेज रहा है शिप क्रू के साथ काम करने। इट्स लाइक जानबूझकर डिसीज स्प्रेड करना। इसके साथ इस बीच कई कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने क्रू चेंज पर रोक लगाकर रखी हुई है, और कई कंट्रीज ने सिर्फ उन्हीं की नेशनलिटीज के सी फेयर्स को क्रू चेंज करेंगे, ऐसा सब कंडीशंस रखी हैं। सिंगापुर में तो शिप हैज टू वेट इन द पोर्ट फॉर 14 days इफ एनी क्रू मेंबर हैज टू साइन ऑफ, बट दिस इज वे टू कॉस्टली फॉर शिपिंग कंपनीज टू पे ऑल द कॉस्ट फॉर सो मेनी डेज टू बी इन द पोर्ट, सो ये भी नहीं हो सकता। तो जस्ट बिना सोचे समझे ये सब डिसीजंस इम्पोज करना सही नहीं है बिना कोई अल्टरनेटिव के। ये तो वैसे ही बात हो गई कि आपने अपने फ्रंटलाइनर्स को सी में भेजा है टू कैप द इकोनॉमी रनिंग, बट जब मिशन अकम्प्लिश हो गया तो उन्हें वहीं छोड़ दिया स्ट्रैंडेड। उसके अलावा जो लोग उनके रिलीवर्स हैं और जो घर पर हैं वो भी स्ट्रैंडेड है। वो महीनों महीनों से अनएम्प्लॉयड हैं, इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, एंड आर वेटिंग कि वो कब शिप ज्वाइन कर पाए। तो उन लोगों का क्या? एट प्रेजेंट चीजें कुछ ठीक हो रही हैं, कई कंपनीज क्रू चेंज करवा रही हैं, पर बाकियों का क्या? कई शिप ओनर्स जस्ट क्वारंटाइन का पैसा नहीं पे करना चाहते तो इसलिए सिंपली क्रू चेंज नहीं करवा रहे, और इस सबसे प्रॉब्लमेटिक रिपोर्ट सामने आ रही हैं कई शिप से। सो अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है कहीं, कोई सीरियस इंजरी और इवन डेथ, भले ही कोरोना से हो या किसी और रीजन से, तो आपको क्या लगता है कि उसके रिमेन्स कब तक उसके घर पहुंच पाएंगे? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? जस्ट ये पेंडेमिक ही नहीं, वैसे भी सीफेयर्स काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वाइल बीइंग इन दिस प्रोफेशन। इट्स जस्ट व्हेन दे आर ऑन शिप देयर इज नो वन टू लिसन, एंड व्हेन दे आर एट होम
they themselves leave all that behind and want to stay with their families for whatever time they have with them together. And also, they have this fear, if they complain about anything, they might lose their jobs. तो भाई सह लेंगे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो ये दलील देते हैं कि सी फेयरर्स को, स्पेशली इंडियन सी फेयरर्स को अपना पेशेंस बढ़ाना चाहिए। तो क्या हुआ अगर 2-3 महीने साइन ऑफ नहीं मिलता, क्राइसिस का टाइम है, किसी को नहीं मिल रहा, तो हम लोग इतना क्यों रो रहे हैं? तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि सी फेयरर्स क्या इतने नेग्लेक्टेड हैं मेन पब्लिक और गवर्नमेंट की नजर में कि उनके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं? सारे डिसीजंस और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज तो कर दिए बट कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया, तो इसीलिए बस उन्हें सह लेना चाहिए? हर बंदे की अपनी टॉलरेंस पावर अलग होती है, और अगर कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुका है और घर जाने की मांग करता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कमजोर है। सीफेयरर्स बोलते नहीं इसीलिए शायद उन्हें कोई सुनता नहीं। शिपिंग बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग अप द इकोनॉमी हैज लेफ्ट जस्ट लाइक दैट। इट्स मेनली बिकॉज इट्स आउट ऑफ साइट, दैट्स व्हाई इट्स आउट ऑफ आवर माइंड। सीफेयरर डोंट नीड रिकॉग्निशन, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दीज अनसंग हीरोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।